एक चिंताजनक खबर आ रही है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से। जैसा कि आप जानते हैं, मुंबई को सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है, लेकिन लगता है इस महामारी में अपराधियों के हौसले भी बुलंद हुए हैं। जी हां, एक महिला के साथ में चैन स्नेचिंग का मामला प्रकाश में आया है। आइए देखते हैं इस मौके पर पीड़ित ने क्या कुछ कहा। हमारे संवाददाता रंजित दुबे की यह चिंताजनक रिपोर्ट। बंद कर रहा हूं मैं अभी। अंधेरी पूर्व अंबावाड़ी क्षेत्र में बढ़ती चैन स्नेचिंग की घटनाओं से महिलाओं और बुजुर्ग महिलाओं में खास तौर से खौफ का माहौल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे समझ बैठी हुई रेखा पांडे जी, जिनके साथ ये घटना घटी, भुक्तभोगी हैं और एफआईआर कॉपी आप देख रहे होंगे। ये कल की घटना है, 15 तारीख को सायकाल में इनके साथ चैन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया गया। आइए बात करते हैं रेखा पांडे से, कैसे घटना हुई। मैं सब्जी लेके आ रही थी और पीछे से आदमी आया और मेरे मुंह पे ऐसा फटका मारा और मार के ऐसा खींचा चैन, खींच के और पीछे भगा। मैं पीछे देखी और चोर चोर चिल्लाने लगी उसको, वो भगा रोड पे। दो आदमी वहाँ थे, धीरज मिश्रा करके और चंदन तिवारी, वो दोनों पकड़े उसको, पकड़े और उसको पकड़ के और उसको मारने लगे। बोले कि कहाँ पाए, तो बोला कि वो गाली गलौज देने लगा और बताया नहीं। तो वो लोग उसको पुलिस चौकी में लेके गए जुगेश्वरी। आप लोग उसे पकड़ के पुलिस चौकी लेके गए? हाँ, आप लोगों ने 100 नंबर पे कॉल नहीं किया था क्या? नहीं किया था, बाद में किया था। वो लोग आए और धीरज मिश्रा करके चंदन तिवारी उसको पकड़े और पकड़ के और उससे पूछताछ करने लगे, तो गाली गलौज देने लगा, बताया नहीं सर। तो उसको पकड़ के और पुलिस चौकी जुगेश्वरी लेके गए। हाँ, उसके बाद फिर अपना प्रशासन आया और मेरे से पूछा तो मैं बताई और वो लोग लेके वहाँ पुलिस चौकी लेके गए। स्नेचिंग की जब घटना हुई, जब वो बंदा आपका चैन खींच रहा था, हाँ, तो आपके गले वगैरह में मार लगा? हाँ, लगा था, यहाँ थोड़ा सा गले में लगा था यहाँ, और ऐसा फटका मारा, फटका मार के खींच के पीछे लेके गया। तो मैं ऐसा देखी और चोर चोर चिल्ला के और उसके पीछे गई रोड पे। तो वहाँ धीरज मिश्रा करके और चंदन तिवारी थे और उसको पकड़े, पकड़ के उसको पूछताछ करने लगे, तो वो बताने बताया नहीं था और उसको पकड़ के लेके गए पुलिस चौकी 5 नंबर। अभी आपको प्रशासन की तरफ, पुलिस की तरफ से क्या बातें कही गई या क्या जवाब दिया गया? पुलिस चौकी में गए तो पूछताछ किया पुलिस ने, बोला माता जी आप रो मत और आपका चैन मिलेगा, यही बस बोला। अच्छा, आइए, ये तो माता जी की बातें हो गई, आइए प्रत्यक्षदर्शी जो उस घटना के दिवस थे, धीरज मिश्रा जी से बात करते हैं। हमारे मैं और मेरे दोस्त चंदन तिवारी नागरदास रोड से आ रहे थे और हमने बाइक खड़ी करके ये अपना गोपाल टेलर है ऐसा आवाज सुना, तो हमने बाइक टर्न किया और भागा उसके पीछे। ये अपना शंकर भगवान का मंदिर है, वहाँ पे जाते जाते और पब्लिक की मदद से हमने उसको पकड़ लिया। अच्छा, जनता की मदद से आपने इसको पकड़ा? जनता की मदद से हमने पकड़ा और बातचीत करने में वो बोला कि हम यहाँ पे दुकान और घर ढूंढ रहे हैं, मैं सल्फा रहता हूँ, मतलब सल्फा से यहाँ आया, मतलब चोरी है, और उसको हमने पकड़ा और गाली गलौज होने लगा, पब्लिक ने मारा भी उस टाइम पे। फिर उसके बाद हमने उसको बचा के पुलिस स्टेशन ले गए क्योंकि पब्लिक उग्र हो रही थी, अधिक मार देती कहीं मर वगैरह जाता, इसके लिए हमने उसको बचा के पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद वहाँ पे बाकी प्रक्रिया हुई, चैन जहाँ छुपाया था वो बंदा 9:30 बजे के बाद उसने चैन बताया पुलिस को, लाके पुलिस ब्रेक हैंडल में किया। जी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग महिला है, महिलाओं और बुजुर्गों में खास तौर से इस घटना को लेकर काफी खौफ का माहौल है और ये अपराधी बेखौफ अपनी कृत घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए प्रशासन से महाराष्ट्र सरकार से विनम्र विनती है कि सीनियर सिटीजन वृद्ध महिलाओं की सुरक्षा का आश्वासन